हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिर गूगल पे से हम किस तरीके से लोन ले सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए जान लेते हैं। गूगल पे एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे हम पैसे ट्रांजैक्शन करने का काम करते हैं, पर अचानक से अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और आपको पैसों की ज़रूरत है और आप किसी से पैसे भी मांगते हैं फिर भी आपको पैसे नहीं मिलते हैं, तब आपके पास गूगल पे है तो आप गूगल पे से ही लोन ले सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फ़ोन में गूगल पे को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसका कुछ इंटरफेस आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा चेक योर सिविल स्कोर फॉर फ्री, ठीक है। तो ये सिविल स्कोर चेक करने के पैसे जाते हैं, पर इसमें अभी आपको फ्री करने को मिल रहा है, ठीक है। गूगल पे की ये सुविधा भी फ्री है, ठीक है। तो आप यहां से अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और यहां पर कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको पैन कार्ड, अपनी ईमेल आईडी डालने के लिए कहेगा, तो आप वहां पर डालकर और आप अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर देखने को नहीं भी मिलता है, ठीक है। तो इस बात को आपको यहाँ पर टेंशन लेना नहीं है। चलिए मैंने यहाँ से इसे कट कर दिया है। कट करने के बाद हम ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और हमें यहाँ पर मिल जाएगा बिजनेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर आपने कभी भी लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई किया होगा या फिर लोन के लिए आपने देखा होगा, तो आपको यहाँ पर मोर का ऑप्शन देखने को मिल जाए। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल रहा है जैसे कि लोन की ये दो एप्लीकेशन देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अगर आपने कभी भी यहाँ पर लोन नहीं लिया हुआ तो आपको ये यहाँ पर देखने को नहीं मिलता होगा। तो आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर मिलेगा एक्सप्लोर, ठीक है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद अब आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको जो भी लोन प्रोवाइड करा रही है इस एप्लीकेशन के ज़रिए वो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब इन एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इसे कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं प्ले स्टोर को डायरेक्ट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि लोन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मिक व्यू लोन इन्वेस्ट, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन कहने का मतलब है गूगल पे में इसकी यहाँ पर साझेदारी है, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को अलग से यहाँ पर डाउनलोड करके और आप यहाँ पर इसे रजिस्टर करके और सारे काम करके और आप यहाँ से भी लोन को ले सकते हैं। अब एक्चुअली में आपको लोन को कब लेना चाहिए और कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको चलिए बताऊँगा। और इसके अलावा एक एप्लीकेशन और है जो कि आपको 3 से 4 मिनट में ही लोन आपके बैंक खाते में पैसे भेज देगी, ठीक है। क्योंकि उस एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर खुद पर्सनली भी यूज किया है, ठीक है। पर यहाँ पर मैं आपको गूगल पे के ज़रिए बता रहा हूँ, तो गूगल पे में ये एप्लीकेशन है। यहाँ पर ये बता रहा है जो पर्सनल लोन है वो आपको 10 लाख तक का यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी के साथ में आपको ये फ्री क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, ठीक है। अगर आप इनका फ्री वाला जो क्रेडिट कार्ड है वो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और उसके बाद में आप जितनी शॉपिंग करेंगे तो इनकी जो टर्म कंडीशंस होंगी वो उनके हिसाब से आपको यहाँ पर पैसे पे करने होंगे। उसके बाद में आप गेट स्टार्ट पर सिंपली क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ बेसिक सी डिटेल्स डालनी होती है और आप यहाँ से लोन को यानी कि लोन के लिए आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो यहाँ पर चेक की जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं, सारी जानकारी सही पाई जाती है। अब इसमें होता क्या है, क्या होता है, जैसे कि आपका पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, ठीक है, और आपकी बैंक की डिटेल देनी होती है। इसी के साथ में आपको अपनी खुद की एक सेल्फी भी देनी पड़ सकती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में वो सारी चीज़ें चेक होती हैं, हाँ बिल्कुल जेन्युइन बंदा है कि नहीं है। और उसके बाद में जो पैसे का जो लोन का होगा आपको कितने तक का प्रोवाइड किया जाएगा वो ये एप्लीकेशन वाले यहाँ पर इनकी जो टीम है वो ये निर्धारित करेगी और आपको फिर वहाँ पर लोन प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर किस्तों में भी भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड भी एप्लीकेशन को यूज करता हूँ, हालांकि मैंने यहाँ से लोन एक बार लिया था, ठीक है,
पर मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की और मुझे पैसे यहाँ पर मिल नहीं रहे थे कि मैं रास्ते में कहीं पर फंस गया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस लोन को यहाँ पर लिया था। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड भी जो एप्लीकेशन है मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है और आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे 3,000 रुपये का अभी यहाँ पर लोन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी लिमिट है वो यहाँ पर बढ़ती जाएगी जितना आप लेन देन यहाँ पर करते जाएंगे, तो जो आपकी लिमिट है वो यहाँ पर बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं गेट नाउ पर सिंपली क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पर सिंपली मैं एक बार क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं व्यू समरी, ठीक है। मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूं। अब आपको यहां पर देखने को मिल रहा है जैसे कि टोटल इंटरेस्ट रेट जो 4 मंथ में हमें यहां पर पे करना होगा, जैसे कि हम अगर इनके 3,000 रुपये लेते हैं तो हमें 164 रुपये जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर देने होंगे 4 मंथ में, ठीक है। हम ये बता रहा है एनुअल, ठीक है, यानी कि 58.53% और इसी के साथ में इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। अब इंश्योरेंस जो अगर कोई भी इनका लोन ले लेता है और ऐसे में उसकी मुक्ति वगैरह या फिर किसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है तो जो कि ये 35 रुपये का यहाँ पर जो इंश्योरेंस कर रहे हैं वो कंपनी वाले यहाँ पर जो उनके पैसे हैं वो पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है फीस चार्जिंग, ठीक है, यानी कि 158 रुपया जो कि प्रोसेसिंग फीस है और प्लस इसमें 28 रुपये की GST है और लोन डॉक्यूमेंट के यहाँ पर 10 रुपये आपको देने होंगे। अब कट पिट के यहाँ पर जो पैसे हैं वो बच रहे हैं आपके 2770 रुपये, ठीक है। अब ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये पैसे आपको किस तरीके से चुकाने हैं वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आज आप ले रहे हैं 25 तारीख को तो 25 तारीख को ही अगले महीने से, ठीक है, आपके अकाउंट से 726 रुपये कट जाएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है 65 रुपये का वो कटेगा, ठीक है। तो ये पैसे आपके कट जाएंगे आपके ऐटोमेटो खाते से ही। उसके बाद में दूसरे मंथ में यहाँ पर कट जाएंगे 742.49 रुपये इंटरेस्ट रेट। फिर उसके बाद में तीसरे मंथ में 758 और प्लस 33 आपका इंटरेस्ट रेट। और उसके बाद में चौथे मंथ में आपका यहाँ पर 774 रुपये और 17 जो कि इंटरेस्ट रेट जो कि कट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो पैसे हैं वो आपके कट जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है EMI, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो जो कि अगर आपके कभी भी EMI पर जो छूट जाती है तो आपको 500 रुपये यहाँ पर पे करने होंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, अगर आपकी जो फीस है वो लेट हो जाती है तब, ठीक है। उसके बाद में आप कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करने के बाद में जो लोन है किस पर्पस से ले रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेडिकल या फिर हाउस यानी कि घर के लिए या फिर कोई भी काम हो सकता है, जैसे कि पर्सनल आपका काम है या शॉपिंग है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एजुकेशनल, ठीक है। उसके बाद में हम कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने बैंक अकाउंट आ जाएगा और आप यहां पर देख सकते हैं ऐड सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर आपके पास दूसरा बैंक अकाउंट है तो वो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहां पर कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं और लोन यहाँ पर ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको किस तरीके से लोन लेना है तो आप इससे रिलेटेड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर आप सिंपली क्लिक करके और वहां पर भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को। तो दोस्तों आखिर इसमें बेनिफिट क्या क्या होता है, जैसे कि अगर आपको लोन की यानी कि पैसे की आपको अचानक ज़रूरत पड़ जाती है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये होती है, ठीक है। अब ये लोन आपको कब लेना चाहिए, जैसे कि अगर आपको अधिक इमरजेंसी है, ज़्यादा ही ज़रूरत है, तब आप इस लोन को लें, ठीक है। हालांकि मेरी राय नहीं है कि आप इस लोन को लें, क्योंकि मैं भी इस लोन को जल्दी लेता ही नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि बैंक वालों ने भी मुझे यहां पर क्रेडिट कार्ड दे रखा है कि आप हमारे क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कीजिएगा और उसके बाद में 2 मंथ बाद हमें पैसे दे दीजिएगा, ठीक है। तो उसकी जो साल की फ़ीस है वो 500 रुपये जाती है,
ठीक है, अगर आपका खाता लेन देन सही है तो आप एक क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिएगा। अगर आपको इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इस एप्लीकेशन के द्वारा ले सकते हैं। ठीक है, गूगल पे से भी आप ले सकते हैं और क्रेडिट बी से भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सिंपल प्रोसेस है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप अधिक जानकारी के लिए जानना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं सारी चीज़ों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।